राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। अपनी सप्ताह भर की यात्रा से पहले इस चरण में राष्ट्रपति दिल्ली से अल्जीरिया पहुंचेंगी, जिसके बाद मोरिटानिया और मलावी देशों का भी वो दौरा करने वाली हैं। आपको बता दें, ये भारत के राष्ट्रपति की तीन अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगी और भारतीय प्रवासियों से बातचीत भी करेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी राष्ट्रपति के प्रस्थान के बारे में जानकारी दी है। अल्जीरिया में राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के एक महीने के भीतर अल्जीरियाई राष्ट्रपति तेबोनी ने से मुलाकात वो करने वाली है और इसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। और आज पीएम गति शक्ति पहल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और साल 2021 में 15 अगस्त के अवसर पर पीएम ने इस योजना की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति के भारत के बुनियादी ढांचे और विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माई गवर्नमेंट इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज हम पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और ये अभूतपूर्व पहल भारत के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा स्मार्ट और मजबूत कर रही है, साथ ही भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा और विकास के भविष्य को आकार दे रही है। इस पोस्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि गति शक्ति की बदौलत देश विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने के लिए तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये प्रगति, एंटरप्रेन्योरशिप और नवाचार और प्रोत्साहित करेगा। और वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब एक और नया मोड़ सामने आ चुका है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और मामले की पेचीदगियों को बढ़ाने का काम किया है। गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुस्थापन के साथ जुड़े हुए संबंध थे। बिश्नोई गैंग का यह भी दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी धर्मराज और शिव कुमार उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि 1 शूटर गुरमेल हरियाणा का है, कैथल का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक गुरमेल 2019 में भी हत्या के मामले में जेल में था और इस दौरान वो बिश्नोई गैंग के गुर्गों से मिला था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन अभी भी किए जा रहे हैं। आज देर शाम बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए। ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे और उसके लिए हर साल और रफ्तार पार्टी में हमेशा सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुलाते थे। मैं 2 दफ़े उनके रफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। हाँ, ज़रूर एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखते थे। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था, वाइस सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकी आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। अरे कहाँ से धमकी आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं। हमने उनके साथ में काम किया है, हमारे अच्छे दोस्त के रूप में हमने उनको हमारी पहचान दी। कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, पर आज तो 2 उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है,
और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म MLA रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। देखिए, काफ़ी दुखद है, कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और कुछ दिनों पहले ही जो है, जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बैंड्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पर की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई। सलमान खान के करीबी दोस्त और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब एक्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस हत्या से देश भर में सनसनी फैल गई है और पूरे बॉलीवुड में मातम पसरा है। अब सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। उनके घर के बाहर बैरिकेड्स लगे हैं। किसी भी गाड़ी को सलमान के घर के बाहर या आसपास रुकने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सलमान के घर के बाहर उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हैं। आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अब इसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भारत से रिश्ते शुरू करने के लिए बेकरार है। हालांकि उसे भारत से कोई भाव नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने साफ संकेत दिए हैं कि SCO सम्मेलन के दौरान में वो भारत के साथ में द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के हालिया बयान से पता चलता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जयशंकर भारतीय डेलीगेशन के साथ में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे होंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ में द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है तब से बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं। आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। बुलंदशहर में इसी बीच पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश को एनकाउंटर में मार गिराया। बदमाश पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मारे गए बदमाश पर बुलंदशहर पुलिस और अलीगढ़ पुलिस ने नाम घोषित किया हुआ था। पुलिस टीम ने घेराबंदी की और बदमाश राजेश को सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर नहीं किया उसने, जिस पर पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश राजेश मारा गया है। और पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में थाना प्रभारी, एक सिपाही भी घायल हुए, दोनों खतरे से बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर के CM आवास में BJP कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मीटिंग में राजस्थान के उपचुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट पर लड़े जाने पर सहमति बनी है। बैठक के बाद राजस्थान BJP नेताओं ने कहा कि हरियाणा के बाद कांग्रेस को राजस्थान में भी मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस का झूठ और भ्रम का नकाब उखाड़ फेंकेंगे। उपचुनाव का उद्देश्य केवल और केवल विकास की राजनीति है। जातिवाद से उठकर विकासवाद की ओर एक साथ बढ़ेंगे।
बढ़ते आगे और राजस्थान सरकार ने लगभग 6 लाख कर्मचारियों के लिए एडहॉक बोनस को मंजूरी दे दी है और इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। आधिकारिक स्टेटमेंट के मुताबिक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में एडहॉक बोनस देने की मंजूरी मिल गई है और इसके तहत राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर उन राज्य कर्मचारियों के लिए साल 2023-24 के लिए एडहॉक बोनस मंजूर किया गया है जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स पे लेवल L12 या ग्रेड पे 4800 और उससे कम पर सैलरी पा रहे हैं। और तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद में की मुलाकात और सीएम राहत कोष में दान के रूप में दिए 50 लाख रुपए। इसे लेकर चंद्रबाबू नायडू ने उनका आभार भी व्यक्त किया और कहा कि चिरंजीवी हमेशा मानवीय प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं, लगातार प्रभावशाली कारणों के लिए अपना समर्थन देते रहे हैं। सीएम ने साथ ही कहा कि चिरंजीवी और रामचरण का योगदान बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे जहां उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम में धन्यवाद रैली की। हाल के विधानसभा चुनाव में आपके महराज मलिक ने डोडा सीट से जीत हासिल की है और केजरीवाल की रैली पहले 10 अक्टूबर को होनी थी लेकिन आचार संहिता के कारण रैली स्थगित हो गई थी। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, इसमें महराज मलिक की जीत के बाद केजरीवाल ने उन्हें वीडियो कॉल पर तब बधाई दी थी। मलिक ने केजरीवाल को डोडा आने का न्योता भी दिया था जिसके बाद आज केजरीवाल पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कश्मीरी पीड़ितों की वापसी का आह्वान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के सवाल पर कहा कि वो और उनकी पार्टी और वो कश्मीरी पंडितों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में पलायन के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भाई बहन यहाँ से चले गए हैं वो घर वापस आएंगे, अब समय आ गया है कि वो अपने घर लौट आएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार उनकी वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं और पहल करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी वापसी काफ़ी समय पहले ही हो जानी चाहिए थी, उन्हें बहुत पहले ही वापस आकर के अपने घरों में रहना चाहिए था, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। आपने खुद देखा अमन कितना है, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त कि वो घर वापस आएं और अपने घर को संभालें और इस साथियों को फिर से चमकाएं। कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं कि उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना, उनको भी महसूस होना चाहिए हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बढ़ते आगे खबरों में, योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील की है कि वे खाने में थूकने या पेशाब करने जैसे मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़े। रामदेव ने कहा कि ऐसी घटनाओं से कुरान पाक का प्रचार नहीं होता बल्कि वह बदनाम होता है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए, भाई कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए, यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा को धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में नवनीत को गैंगरेप की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जो खुद का नाम है वो आमिर बताया है और उसने 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी है, साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा है। आरोपी ने लेटर में अपना फोन नंबर भी लिखा है और लेटर में नवनीत राणा को लेकर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनके पति रवि राणा के लिए भी अभद्र बातें लिखी गई हैं। इस मामले में रवि राणा के निजी सहायक विनोद गुहे ने राजापेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। नालंदा में शनिवार रात एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी मेला देखकर लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद अज्ञात वाहन का ड्राइवर गाड़ी लेकर के मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घायल सूरज कुमार और राजहंस कुमार को गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया। दोनों अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। और बात अब दिल्ली की, जहां दिल्ली के बवारा में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भयंकर थी कि चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सफलता हासिल कर पाई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना बवारा के सेक्टर 3 की है और आग किस वजह से लगी और कितना नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन किया जा रहा है। और वहीं आगरा रेल मंडल को 2 वंदे मेट्रो ट्रेन और 1 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जल्दी मिल सकती है। वंदे मेट्रो का जो संचालन होगा वो आगरा से दिल्ली और लखनऊ के बीच होगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं, जोधपुर से आगरा के बीच चल सकती है। सप्ताह में 3 दिन चलेगी आगरा से नई दिल्ली के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन के संचालन की मांग दरअसल लंबे समय से चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाली वंदे मेट्रो ट्रेन इंटरसिटी की जगह ले सकती है और यह सुबह आगरा से दिल्ली की ओर जाएगी और शाम को फिर लौटेगी। इसके दिन में होंगे 2 फेरे, इसकी संभावना है। बीते कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से रेलवे ट्रैक को बाधित करने के कई मामले सामने आए। ट्रैक पर भारी भरकम चीजें रखकर ट्रेन को डील करने की कोशिश की गई। हालांकि लगातार कोशिशें नाकाम भी हुई हैं, लेकिन मामले रुक नहीं रहे हैं। ताजा मामला उत्तराखंड से सामने आया। उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के तहत इस सिलेंडर को रखा गया था। मामला उत्तराखंड के रुड़की के पास ढंडेरा रेलवे स्टेशन का है और उत्तर रेलवे के CPRO ने बताया कि पॉइंट्समैन तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि सिलेंडर खाली है। बाद में से स्टेशन मास्टर को दिया गया है। स्थानीय पुलिस और GRP को जानकारी दी गई है, जो जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुंबई लोकल ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। दरअसल मुंबई सेंट्रल में प्रवेश करते समय एक EMU खाली रेक के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। वही हादसे के बाद चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल तक धीमे ट्रैक को रोक दिया गया और ट्रेनों को चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल के बीच फास्ट लाइन पर डाइवर्ट किया गया है। और जयपुर में आग से धधकती हुई कार बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ती दिखाई दी। इस दौरान कार ने बाइक को टक्कर भी मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल ऑटोमेटिक कार के बोनट में धुआं उठा तो ड्राइवर ने कार को साइड में खड़ा कर दिया और विंडो खोलकर वहां से निकल गया। इतनी ही देर में कार का जो बोनट था वो पूरी तरह से जल गया और आग ने विकराल रूप ले लिया, और जिससे हैंड ग्रेन फेल बताया जा रहा है।